तो चलो गाइस थोड़ा आपका टेंशन कम करते हैं। बट एक चीज याद रखना, आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया है कि कोई भी 3 चैप्टर करके भी हम 30+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखना, लास्ट में कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ जिसको जरूर ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो चीज भी आपको फॉलो करना है। तो चलो सबसे पहले विद प्रूफ कैलकुलेशन वाइज आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में एक चीज जरूर बताऊंगा कि देखो, 2 नंबर का ये वेटेज में, जो वेटेज हमारा बोर्ड की तरफ से मिलता है, जो वेटेज हमारा रहता है, उसमें दो नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, या प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। किसी चैप्टर में 2 ज्यादा हो सकता है या 2 क्या हो सकता है, कम हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं। मैक्सिमम कितना चेंजेस होगा? ओनली 2 मार्क्स। अब चलो हम एक चीजें बताते हैं। अब मान लो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, ये 3 चैप्टर आपने किया, तो 12 12 एंड 8, ये कितना हो गया हमारा? 32 मार्क्स। ओनली 3 चैप्टर करके 32 मार्क्स हुआ। ओके, बट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, देखो 3 चैप्टर करके 30+ हुआ कि नहीं? ओके, बट आपके जो बाकी 3 चैप्टर बच रहे हैं ना, 3 चैप्टर जो बच रहे हैं उसको छोड़ो मत। क्यों पता है? क्योंकि ये 3 चैप्टर करके आप 30+ मार्क्स स्कोर कर रहे हो, बट ये 3 चैप्टर के अंदर आपको सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स सभी क्वेश्चन आने चाहिए। इसलिए रिस्क गेम क्यों खेल रहे हो? 4 5 6 में क्या करो, बस 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर लो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक के कर लो, या तो आपके नौ नीट के 21 के कर लो, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो रहते हैं सिंपल सिंपल वो कर लो। वो कर लोगे ना यार, तहलका मच जाएगा और आप 35+ क्रॉस करके चले जाओगे। इसलिए बता रहा हूँ एकदम आराम से, बस रिस्क गेम नहीं खेलना है। तो ये सभी को 1 2 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से करना है? क्वेश्चन बैंक या 21। तो भाई इस तरह से 3 चैप्टर करके भी आप कितना निकाल सकते हो? 30+, और बाकी की चीजें नीचे कर ली तो 35+ आराम से स्कोर करोगे। बट आपको उसके साथ एमसीक्यू, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो करने के लिए बाकी चैप्टर का भी करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।